तो भैया, चाहे आप साइकिल चलाते हो या हवाई जहाज उड़ाते हो, स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज की अगर आपने वीडियो देख ली तो आप फोटोशॉप के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हो। जिस तरह से कलाकार अपनी कला के पीछे के सीक्रेट्स को शेयर करने से पहले हज़ार बार सोचता है, उसी तरह से एक फोटोग्राफर अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में सीक्रेट शेयर करने से पहले बहुत बार सोचता है। पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग के सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और बीच बीच में मैं आपको टिप्स देता रहूँगा जो कि आपको एडिटिंग के वक्त बहुत काम आने वाली। आज हम एडिट करेंगे टाइगर की ये वाली फ़ोटो, और थोड़े से जादू के साथ हम इसे ऐसा बना देंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो आज जो फोटो हम एडिट करने वाले हैं वो ये वाली फ़ोटो है टाइगर धिकारा नाम से। तो हम इस फोटो पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद Adobe Photoshop CC 2019। जब तक फोटोशॉप खुलता है तब तक मैं आपको ये बता दूँ, ये जो फोटो है ये रॉ फाइल है। रॉ फाइल और जेपेग फाइल में डिफरेंस होता है। रॉ फाइल में अलग से एक विंडो खुल के आती है जो होती है कैमरा रॉ फिल्टर की, जो खाली रॉ फाइल में खुल के आएगी। तो इसमें कुछ हम बेसिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, 5650 ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे कई सारी बेसिक मेन्यू में देखोगे कई सारी चीज़ें, टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक, वाइट, शेडो, हाईलाइट, ये सब। तो इसको आप कम ज़्यादा करके देखो, जिस पे आपको लगता है सही है वहीं पे रुक जाओ। तो ये सब ट्राई एंड एरर मेथड है, आपको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा कौन सा सही लगता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट सही लग रहा है, हाईलाइट्स थोड़े से कम, शेडोज़ बढ़ा दिए, वाइट्स को भी बढ़ा दिया है, ब्लैक्स थोड़ा सा कम कर दिया है। और वर्बेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, तो अब सही लग रही है। अब बाकी चीज़ें हम आगे जाके एडिट करके तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन इमेज पे क्लिक करोगे तो ये जो विंडो खुल के आएगी, अगर आप जेपेग फाइल खोलोगे तो ये विंडो पे आएगी डायरेक्ट, वो कैमरा रॉ फिल्टर की नहीं आएगी। तो अब ये खुल गई है, ये साइड में हमारी ये लेयर्स होती है जो कि बैकग्राउंड नाम से है। तो हम इसको रीनेम करते हैं डबल क्लिक करके, इसका हम नाम रखेंगे बैकअप। बैकअप क्यों रखा आगे बताऊँगा। और यहाँ पे एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट लेयर, ओके। और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर करने का एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल जे। तो हमने यहाँ पे तीन लेयर बना ली है, सबसे नीचे वाली बैकअप है, दूसरी वाली होगी वो हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड के लिए, जिसका हम नाम कर देते हैं बैकग्राउंड। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो हमारा होगा सब्जेक्ट, जो कि हमारा है टाइगर सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ तीन लेयर बना ली है। जो बैकअप वाली लेयर है उसका हमें अभी कोई काम नहीं है, ये हमने खाली इसलिए रखी है कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में कुछ गलती हो जाए तो हम बैकअप में जाके फिर से वो लेयर ले आए, उस लेयर को डिलीट करके। तो बैकअप मैंने अभी फिलहाल के लिए डिसेबल कर दिया है। अब बैकग्राउंड लेयर किस लिए है, कि टाइगर के पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में आएगा, और सब्जेक्ट वाली लेयर है वो खाली टाइगर होगा, उसमें बैकग्राउंड नहीं होगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस फोटो को क्रॉप कर लूँगा। इंस्टाग्राम के लिए जो सबसे बेस्ट रेशियो होता है वो होता है 4:5, जिसमें मैक्सिमम स्क्रीन कवर होती है, तो मैं उसमें एडिट करता हूँ। तो मैं पहले इसको सबसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करेंगे डिफ़ॉल्ट यहाँ 4:5 ही खुल रखा है। तो पहले रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से इसका फेस ले आते हैं इस क्रॉस पे। ओके, यहाँ पे लाइन क्रॉस करिए, यहाँ इसका फेस ले आए। अब इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, फ्रेम हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्रॉप हो गई है फ़ोटो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सब्जेक्ट बाहर निकालना है फ़ोटो से। तो पहले कंट्रोल 0 दबा के पूरा उसको जूम इन कर लेते हैं। तो कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस दबा के जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस दबा के जूम आउट होगा, कंट्रोल 0 दबा के वहाँ डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड दबाओ, रीडू करना है कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाओ। तो ये सारे शॉर्टकट्स मैं इसमें यूज़ करूँगा, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले अब हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है फोटोशॉप में जो कि अपना काम ठीक ठाक कर देता है। यहाँ पे सेलेक्ट में जाओ, सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, पहली लेयर सेलेक्ट करके सब्जेक्ट पे क्लिक करो। तो अब ये अपने हिसाब से, अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से फोटोशॉप ले लेगा, जो जो चीज़ें फोकस में होगी उसको सेलेक्ट करने का ट्राई करेगा। ये एकदम ठीक नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है रेफरेंस के लिए ठीक। ये भी काफ़ी टाइम ले लेता है और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो है। ओके, तो सो आप देख रहे होगे थोड़ा बहुत इसने सेलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से, बट कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं है। तो अच्छे से करने के लिए यहाँ पे मैं दो टूल यूज़ करूँगा। एक है यहाँ पे क्विक सेलेक्शन टूल, जिसको आप खाली, थोड़ा सा साइज बढ़ा के दिखाता हूँ, जिस पे आप खाली ऐसे ड्रैग कर दो वो सेलेक्ट हो जाएगा अपने आसपास का, और ऑल्ट दबा के सेलेक्ट करोगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे लेसो टूल है। लेसो टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब शिफ्ट दबा के आप इसको करोगे तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, और जब ऑल्ट दबा के इसको करोगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लेसो टूल और क्विक सेलेक्शन टूल काम करते हैं। हम पूरी वीडियो में इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं सिलेक्शन के लिए। तो फिलहाल जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइगर को फेस से स्टार्ट करते हैं। तो जूम इन कर लेना जिससे कि कोई भी बारीकी छूट ना जाए। ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, अब पूरा सेलेक्ट करने के बाद बहुत बारीकी से मैंने किया, ये टाइम लेगा। मेरे को लगभग यहाँ पे 8 से 10 मिनट लगे, आपको स्टार्टिंग में हो सकता है आधा घंटा लगे, बट पूरा टाइम देना, आराम से करना, जल्दबाजी में कुछ गलती मत करना। अब हम इस सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से हटाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है नीचे एड लेयर मास्क का, वो क्लिक करने से पहले ध्यान रखना आपने सब्जेक्ट वाली लेयर सेलेक्ट कर ली हो। तो यहाँ पे एड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, एक नया बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इसमें जो व्हाइट पार्ट है वो सिलेक्टेड पार्ट है, और ब्लैक वाला पार्ट है वो इस लेयर से हट गया है। तो अब मैं आपको ये बैकग्राउंड डिसेबल करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे खाली टाइगर है इस समय इस लेयर में खाली टाइगर है। तो अब हमारा पहला काम हो गया है कि हमने सब्जेक्ट में से हमने टाइगर को निकाल लिया है, अब बैकग्राउंड में से हमें टाइगर को हटाना है। तो टाइगर को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे और इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो सिलेक्शन वाला मास्क है। तो इसने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया जो पहले हमने सेलेक्ट किया था। तो अब पहले लेयर डिसेबल कर देते हैं, कोई काम नहीं है, सेकंड लेयर पे आते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ गलत करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा सही कैसी होती है। तो यहाँ पे एडिट पे जाए, फिल कंटेंट अवेयर रखना, कलर एडेप्शन मार्क को नॉर्मल 100%, ये सब डिफ़ॉल्ट है, कलर बस ये कंटेंट अवेयर का ध्यान रखना। ओके पे क्लिक किया, अब ये बैकग्राउंड को हटा देगा और अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ले आएगा। अब दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप टाइगर हट गया है, बट ये सारी बाउंड्रीज रह गई है, ऐसे लग रहा है टाइगर हट गया, टाइगर की आत्मा चल रही है अभी भी रोड पे। तो ये सही करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस करते हैं, कंट्रोल जेड दबाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, जो सिलेक्शन है हमारा हम उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे जिससे कि ये जो बाउंड्री आ रही है ये भी हट जाए। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट में गए, मॉडिफाई एक्सपेंड, इसके अंदर हम यहाँ पे एक्सपेंड बाय कितने पिक्सल से आप एक्सपेंड करना चाहते हो, यहाँ 2 डालो, 5 डालो, मैं यहाँ 10 डालता हूँ ताकि कुछ भी रहे ना। तो 10 डाला तो ये 10 पिक्सल से इसका ये सिलेक्शन एक्सपेंड हो गया है, देख पा रहे होगे आप यहाँ पे हल्का हल्का एक्सपेंड हो गया है। सो अब इसके बाद फिर से वही चीज़ अप्लाई करते हैं, एडिट फिल कॉन्टेंट अवेयर 100%। ओके, पहले सिलेक्शन हटा लेते हैं, सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट पर क्लिक करके अब आप देख पा रहे होगे टाइगर हट गया है, बैकग्राउंड पूरा नेचुरल लग रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत ये जो गड़बड़ लग रही है ये छुप जाएगी जब हम सब्जेक्ट को लाएंगे, दिखाता हूँ कैसे। तो पहली लेयर हम अब एनेबल करेंगे, तो अब आप देख रहे होगे टाइगर आ गया है, बैकग्राउंड भी बिल्कुल वैसे सही लग रहा है। तो ये कुछ नहीं रहा, ये सब्जेक्ट वाली लेयर है, ये बैकग्राउंड वाली लेयर है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर लेते हैं जिससे कि सब्जेक्ट थोड़ा निखर के आए। तो उसके लिए बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करते हैं, पहले से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लिया हमने राइट क्लिक करके। तो उसके लिए हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर गैलरी में गए, टिल शिफ्ट, आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल टिल शिफ्ट करते हैं। तो टिल शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 लाइनें आपको दिखेगी, जो बीच वाली 2 लाइनें हैं उसके बीच में ब्लर बिल्कुल नहीं होगा, ये वाली लाइन से लेके ये जो डॉटेड लाइन है इसके बीच में ब्लर बढ़ता जाएगा और डॉटेड लाइन तक एक्सट्रीम हो जाएगा और डॉटेड लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे अगर टाइगर खड़ा है तो टाइगर जहाँ पे खड़ा है वो चीज़ फोकस में रहनी चाहिए, तो यहाँ नीचे कर देते हैं। और यहाँ से ब्लर के साथ हम खेल सकते हैं, ब्लर बढ़ाना है कम करना है, तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 सही रहेगा। और यहाँ पे बोकेन इफेक्ट का भी है, लाइट बोकेन का, आप यहाँ कम ज़्यादा करके यहाँ बोकेन इफेक्ट ला सकते हैं, बट अभी हमें नहीं लाना है तो हम इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। तो ओके पे क्लिक करते हैं, अब हमारा बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो गया है, अब सब्जेक्ट थोड़ा निकल के आ गया होगा, ये देखा होगा आपने। तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड लेयर को अलग अलग करने के कई एडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट जो है बहुत शार्प हो गया है, और एडवांटेज ये है कि अब हम सब्जेक्ट को अलग एडिट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को अलग एडिट कर सकते हैं, तो कई एडवांटेज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा कि यहाँ से शार्प हो गए एजेस काफ़ी,
ये शार्प होने की वजह से एक और नुकसान हो गया है कि कई जगह है जहाँ पे जैसे ये बाल आते हैं बाहर, ये सारे बाल, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये शार्प अच्छी नहीं लगती। बाल जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो दिखने चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर थोड़े थोड़े। तो अब इसको वापस सिलेक्शन में लाएंगे, सिलेक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, इस मास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेंट ब्रश उठाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वाइट कलर है वो सिलेक्शन है, तो वाइट कलर पे जाते हैं हम। और यहाँ पे ओपेसिटी भी थोड़ी बढ़ा दी, ग्लो भी थोड़ा बढ़ा दिया और यहाँ पे हम हल्का हल्का सेलेक्ट करते हैं कि ये जो बाल वाला एरिया ये भी इसमें आ जाए। तो इसी तरह से हम चारों तरफ देखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि आने चाहिए बाल वहाँ पे करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिगिनर होगा हमेशा देखना, उसकी टाइगर की फ़ोटो में अगर उसकी मूछें बैकग्राउंड के आगे हैं तो वो मूछें कटी हुई होगी या उस पर लाइट अलग से पड़ रही होगी। तो ये छोटा सा हैक मैंने निकाला है कि जो बाल है उसको हल्का हल्का सेलेक्ट कर लो। ओके, सो अब आप देख पा रहे होंगे अब वो बाल भी सेलेक्ट कर लिए है सब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम इसको फाइनली सब सिलेक्शन के बाद इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसमें थोड़े से फिल्टर में जाके कैमरा और फिल्टर पे जाते हैं, फिर से वही विंडो खुलेगी जो हमारी ये फोटोशॉप खोलते ही खुली थी इस बार, बट खाली टाइगर है क्योंकि हमने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है। तो थोड़ा सा जूम करके इसके थोड़े चीज़ों के साथ खेलते हैं, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ाते हैं, हाईलाइट भी कम करते हैं, हल्के से शेडोज कम करते हैं, नहीं शेडोज बढ़ाते हैं, वाइट्स बढ़ा दिए, ब्लैक्स कम कर दिए। क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं, यह सबका पर्सनल टेस्ट है, अपने हिसाब से आप एडिट करो, मेरे को बढ़ा के ज़्यादा अच्छी लगती है। वर्बेंस भी हल्की सी, सैचुरेशन ओके, सैचुरेशन डिफ़ॉल्ट रखते हैं, आगे एडिट कर लेंगे। डार्क्स हल्के से कम कर दिए, शेडोज बढ़ा दी, लाइट्स बढ़ा दी, कंट्रास्ट मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया, पहले ही सही था, कंट्रास्ट उतने भी रहने देते हैं। और यहाँ हल्की सी नॉइस रिडक्शन करते हैं, शार्पनेस बढ़ाते हैं और यहाँ पे सैचुरेशन ऑरेंज कलर की बढ़ाते हैं, ल्यूमिनेंस ऑरेंज कलर की ज़्यादा लग रही है, येलो कलर भी कम करके देखते हैं। ओके, ओके सही लग रहा है, हाइलाइट्स भी सही है, कैलिब्रेशन में रेड कलर की सैचुरेशन हल्की सी बढ़ाएंगे, ओके पे क्लिक करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा हमने कैमरा रॉ फिल्टर इसमें डाला है, काफ़ी अलग है पहले से। तो यहाँ पे मैंने कैमरा रॉ फिल्टर इसीलिए यूज़ किया, अगर हम डिफ़ॉल्ट लेयर पे इसे करते तो यहाँ पे अलग से स्मार्ट फिल्टर्स वाली ये कॉलम खुल के नहीं आता लेयर में, तो उससे क्या होता, काफ़ी चीज़ें एडिट करने के बाद आपको लगे कि कैमरा रॉ फिल्टर में जाके फिर से मुझे कुछ ऊपर नीचे करना है, तो वहीं से ना खुलता जहाँ से हमने पहले एडिटिंग की है। जैसे अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वापस वही खुल आएगा वही सारी चेंजेस के साथ, बट अगर नॉर्मल लेयर होती तो नहीं होता। तो लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ज़रूर कर लेना ये सारे फिल्टर से अप्लाई करने से पहले। अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं जो कि है लेयर ज़ीरो, लेयर ज़ीरो हो गई, इसको बैकग्राउंड वापस कर देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। अब बैकग्राउंड में एडिटिंग होगी, यहाँ पे देख रहे हो गए टाइगर नहीं है, टेम्परेचर भी ठीक है, एक्सपोजर कंट्रास्ट बढ़ा दिया, हाईलाइट कम कर दी, शेडोज कम कर दी, वाइट्स बढ़ाई, ब्लैक कम किए, क्लैरिटी हल्की सी बढ़ा दी, वर्बेंस और सैचुरेशन भी बढ़ा दी। तो यहाँ पे हमें नॉइस रिडक्शन ज़्यादा करना है क्योंकि बैकग्राउंड फोकस में हमें नहीं चाहिए, शार्पनिंग हमें नहीं चाहिए। अभी ग्रीन कलर का थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा के व्यू थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ल्यूमिनेंस के साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट ही अच्छी लग रही थी, कैलिब्रेशन देख लेते हैं,
ओके ऐसे अच्छा लग रहा है, ओके पे क्लिक करते हैं। अब बैकग्राउंड में भी काफ़ी कलर्स आ जाएंगे। सो अब हम क्या करते हैं, अब सब्जेक्ट की आइज बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना, तो हम आइज पे एडिटिंग करेंगे। तो सब्जेक्ट लेयर पे क्लिक करो, यहाँ से क्विक सेलेक्शन पे जाओ और जूम कर लो आइज पे। ब्रश काफ़ी बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। आइज को सिलेक्ट कर लो अच्छे से। ओके सो यहाँ पे आई हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो ये चीज़ है, ये मेन्यू है नीचे, इसमें फोर्थ वाले पे जाएंगे और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में जाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं तो खाली इतने में अप्लाई होगा। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में गए, ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं। और कंट्रास्ट बढ़ाया, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इतने पर ठीक है। ओके तो ये देख रहे होगे पहले कुछ ऐसी लग रही थी आइज, अब थोड़ी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के साथ ऐसी लग रही है। अब इमेज काफ़ी सही लग रही है पहले से। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब हम इसमें सेलेक्टिव कलर में जाते हैं, रेड के साथ हल्का सा ऊपर नीचे करके देखते हैं कैसा सही लग रहा है। मेन यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर लग रहे हैं तो उसी के साथ एडिटिंग करेंगे भी। रेड हो गया है, ग्रीन पे आते हैं, ग्रीन देखते हैं कैसा लग रहा है। ग्रीन में सियान बढ़ा के अच्छा लग रहा है, येलो भी ओके अच्छा लग रहा है, ब्लैक बढ़ा देते हैं। ओके परफेक्ट। तो सेलेक्टिव कलर में थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर मेन था तो मैंने इन दोनों को एडिट किया है। उसके बाद आते हैं, हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस इमेज में कुछ अलग से जादू करने वाले हैं। जादू क्या होता, क्या है कि दोस्तों कि अब पूरा इसमें लाइट कांस्टेंट है, पूरे फोटो में लाइट सेम है, तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस पर सब्जेक्ट पे लाइट डालेंगे। कैसे डालेंगे, मैंने इसकी क्रॉपिंग ही ऐसे की है कि टाइगर जिस साइड को देख रहा है उस साइड को मैंने काफ़ी स्पेस छोड़ी है। अब जैसे टाइगर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर देख रहा है तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर से हम लाइट डालेंगे टाइगर के फेस पे। बोलने में अजीब लग रहा होगा बट अभी दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर हम एक नई लेयर डालेंगे एक्सपोजर नाम से। एक्सपोजर में जाके हम उसका एक्सपोजर बिल्कुल कम कर देंगे। यहाँ मैंने ओके 7.67 कर दिया। फिर यहाँ से पेंट ब्रश उठाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मास्क वाला बॉक्स अपने आप खुलाया है इस लेयर में, तो यहाँ पे मैं 100% करता हूँ, ओपेसिटी और फ्लो भी 100% करता हूँ। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ से लाइट डालनी है वहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं। सॉरी यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट हो, क्योंकि पहले से वाइट कलर का सिलेक्शन है। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फिर से क्लिक करो। ओके सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होगी। अब लाइट इधर से आ रही है तो नीचे आते आते कम होनी चाहिए, तो अब धीरे धीरे कम करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ओपेसिटी कम करते हैं, 84 कैरी कर दी, 80 कर दिया फ्लो, थोड़ा सा नीचे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लाइट और अंदर की तरफ आ गई है। अब थोड़ा और कम करते हैं, 66, 63, अब बिल्कुल टाइगर के सेंटर पे लगाते हैं। ओके सो लाइट अब इस साइड सबसे ज़्यादा आते आते कम हो गई है, आपको दिख रहा होगा। तो इतना सही लग रहा है, एक दो क्लिक और आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ आपको ज़्यादा डार्क लगे ओपेसिटी कम ज़्यादा करके। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ से लाइट पड़ रही है तो टाइगर के फेस पे लाइट डालनी है, तो टाइगर के फेस पे 100% ओपेसिटी के साथ लाइट डालेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइट एक साइड से पड़ रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, तो ये एरिया मेरा ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा लाइट यहाँ पे होगी और ये एरिया थोड़ा डार्क होगा, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप चलिए लाइट डालते हैं टाइगर के फेस पे। तो यहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो 100% कर लिया, क्योंकि हमें फेस सबसे ज़्यादा हाईलाइट रखना है। तो ये ब्रश से हमने इसे पूरा पेंट कर दिया। तो हाँ, तो फेस पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ गई है। अब यहाँ से साइड में आते आते धीरे धीरे लाइट कम करते हैं, तो ओपेसिटी हल्की सी कम की, फ्लो हल्का सा कम किया
और कम करते करते साइड में आ जाते हैं। ओके तो दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है, यहाँ आते आते थोड़ा सा डार्क हो गया। अब अगली चीज़ पे आते हैं, अब पीठ पे काम करते हैं। पीठ पे ज़्यादा लाइट पड़नी चाहिए क्योंकि पीठ उसकी उस साइड है। ज़्यादा इतनी भी ना कर देना कि फेस से ज़्यादा हो जाए, फेस सबसे ज़्यादा लाइट रहनी चाहिए फेस पे। तो हमने यहाँ 87-88 रखा है, तो यहाँ पीठ पे हल्की सी लाइट डालते हैं, टॉप पे ज़्यादा डालते हैं, नीचे लाते लाते कम कर देंगे। थोड़ी सी बेसिक सी लाइट्स हमने यहाँ भी डाल दी है। अब आते हैं इसकी पूंछ की साइड। पूंछ पे भी लाइट बहुत कम है तो पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये। ओके अब सही लग रही है। तो यहाँ पे हल्का सा डार्क कर देते हैं क्योंकि ये पार्ट अंदर की तरफ है, तो लाइट हल्की सी कम करके हम थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे वापस हम वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं, साइज हल्का सा बढ़ा दिया, ओपेसिटी और फ्लो बिल्कुल लो करना है, बहुत हल्का सा ब्लैक आएगा यहाँ पे। ओके आ गया। ठीक है तो अब पूरा सही लग रहा है हमारा सब्जेक्ट। तो अब क्या करेंगे, अब ये लाइट हमने अपने हिसाब से डाल तो दी है बट ये नेचुरल नहीं लग रही है। तो नेचुरल दिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोजर पे यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसका एक्सपोजर लगभग हम 3 पॉइंट के करीब ले जाएंगे, 3.39 पे रख देता हूँ। पहले मैंने ज़्यादा इसीलिए रखा था क्योंकि एडिटिंग में आसानी हो, डिफरेंस ज़्यादा आसानी से पता चल पाए। तो इतने पे करके बिल्कुल सही लग रही है, लाइट भी बिल्कुल सही पड़ रही है। अब थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सही कर देते हैं। कंट्रास्ट हल्का सा कम करेंगे, बहुत हल्की सी एडिटिंग की जरूरत है और थोड़ा सा कर्व के साथ खेलेंगे। ओके तो हल्का सा कर्व में हमने चेंजेस किया है, तो अब इमेज परफेक्ट लग रही है। आईज में थोड़ा सा सही करते हैं, देखते हैं सही होता है या नहीं। काफी ज्यादा ब्राइट लग रही है। ठीक है आईज भी सही लग रही है, तो ये एडिटिंग हो गई है। अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, काफ़ी क्लियर और क्रिस्प इमेज आई है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल थी। पहले आपको दिखाता हूँ ये कैसी लग रही थी। तो हम सारी लेयर को एक बार डिसेबल कर देते हैं। तो पहले ये कुछ ऐसी थी, तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा एडिटिंग से कितना फ़र्क पड़ता है। तो एक बार सब एनेबल करके एक बार एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे पहले तो सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस टाइगर दिकाला नाम से कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फाइल में जाए, एक्सपोर्ट क्विक एस पी एन जी ना करना, एक्सपोर्ट एज हमेशा जेपेग में ही एक्सपोर्ट करना क्योंकि जेपेग में हर जगह सूटेबल रहती है, स्पेस भी कम लेती है। और मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए जेपेग 100% में करता हूँ, जितने भी विथ हाइट हो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम कंप्रेस कर लेता है और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, 4.8 MB की इमेज आई है और यहाँ टाइगर दिकाला नाम से सेव हो गई। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ये ओरिजिनल इमेज थी पहले और एडिट करने के बाद ये बन गई है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है एडिटिंग में। इसके सिवाय एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एडिटिंग करते समय हमेशा माउस का यूज़ करें क्योंकि माउस के बिना लैपटॉप के उससे करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स देखते हो तो उस ट्यूटोरियल्स को रेफरेंस की तरह लो,
अगर आप सेम टू सेम चीज़ उस ट्यूटोरियल की कॉपी करके अपनी हैबिट बना लोगे तो आप कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। और पोस्ट प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आर्ट क्रिएटिविटी लगती है, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, अपने हिसाब से अपना टेस्ट कभी ना लूज़ होने देना। इस वीडियो को देखना एक बार, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ट्राई करना, आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कलर्स के साथ खेलो, कुछ ना कुछ नया लाओ और बेटर आएगा, गारंटी है।